हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कोमल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेथी का पराठा। ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी होता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है बड़ा, जिसमें मैं दो बड़े बाउल आटे के ले लूँगी। जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ, इसमें हम 14 से 15 पराठे आराम से बना सकते हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली, जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा, आप इसमें भुना जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं भुना हुआ, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा गरम मसाला एंड एक चम्मच सौंफ। सौंफ इसमें कंपलसरी है फ्रेंड्स, सौंफ का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पे 2 बंच मेथी के ले रही हूँ, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से काट कर धोकर साफ पानी से धो लिया है। एंड इसमें अब मैं इसमें सारी मेथी डाल दूंगी आटे में। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें सारी मेथी डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें मेथी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेनी है, यानी आटे में मेथी मिक्स नहीं होनी चाहिए, मेथी में आटा मिक्स होना चाहिए, तभी पराठे का टेस्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितना आटा है उतनी ही मेथी ली है, ताकि हमारे जो पराठे हैं उसमें मेथी का अच्छी तरह से टेस्ट आए। तो फ्रेंड्स, मेथी में कोई कंजूसी नहीं करनी हमें। अब मैं इसका सॉफ्ट डो लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे पानी गुनगुना लिया है एंड थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा लगा लूँगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस चीज़ पे रेसिपी देखना चाहते हैं या कुछ अदर चीज़ देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए एंड बताइए कि आपकी कैसी बनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सरसों का ऑयल डाल के इसके ऊपर कोट कर लूँगी तथा इसे अच्छी तरह से इसमें अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लूंगी। इससे हमारे पराठे और भी सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इस डो को एक बाउल में निकाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको यूज कर रही हूँ। देखिए, ये थोड़ा हाथों पे चिपकेगा, इसलिए मैं हाथों पे थोड़ा ऑयल लगा लूंगी। आप चाहें तो सूखे आटे में लोई को कोट करके फिर भी बना सकते हैं। को लोई को मैं आटे में कोट कर लूंगी सूखे आटे में और इसे पतला पतला बेल लूंगी। आप हल्के हाथों से रोटी बेलनी है हमें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम पतला बेला है। अब मैंने गरम तवे पर इसे सिकने के लिए डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से ये सिक चुकी है, अब दूसरी तरफ से सेकेंगे। अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो जहाँ मैंने ऑयल यूज़ किया है, आप वहाँ घी भी यूज़ कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई कीजिए, ये सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मुझे पर्सनली सरसों के तेल के ही पसंद है और ये हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि घी पकने के बाद हमारे बॉडी के लिए ख़राब रहता है और उसे हम अगर
सीधा खाते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, बिना पका हुआ अगर हम खाते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसे थोड़ा प्रेस कर लूँगी, प्रेस करके ताकि अच्छा क्रिस्पी पराठा बन सके। हम थोड़ी इस गैस की फ्लेम थोड़ी तेज़ कर देंगे लास्ट में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा तैयार है। आप इसे चटनी के साथ या फिर अचार के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ओके फ्रेंड्स, बाय।